डभोई नगर में कोरोना वायरस के बढ़ रहे संक्रमण के बीच लोगों को घर घर तक आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण हो सके वैसे आयोजन के बीच एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। डभोई नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ते हुए हर रोज पॉजिटिव केस में बढ़ावा हो रहा है, तो वहीं दो दिन पहले भी वडोदरा जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल द्वारा डभोई नगर की मुलाकात लेते हुए डभोई नगर में डोर टू डोर आयुर्वेदिक काढ़ा और दवाइयों का वितरण हो सके वैसी सूचनाएं और मार्गदर्शन दिया गया था, जिस अंतर्गत आज डभोई नगर में भीड़ तथा प्रभावित विस्तारों में आयुर्वेदिक काढ़ा और दवाई वितरण के आयोजन के भागरूप विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जो बैठक में वडोदरा जिला आयुष विभाग कचेरी के अधिकारी सुधीर जोशी, प्रांत अधिकारी हिमांशु परीख सहित अधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन करते हुए चर्चा विचारणा की गई थी, जहां डभोई के नांदोदी फलिया, राजपूत फलिया, डबगर वागा, विठल फलिया, कोली वागा आदि विस्तारों में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण करते हुए 2200 जितने लोगों ने लाभ लिया था, तो वहीं आने वाले चार दिनों के दौरान डभोई के विविध विस्तारों में ये आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जाएगा।